नहीं सुनिए अंजना जी, ने अंजना जी हमें गिराने की आवश्यकता है क्या? ये सचिन तो ओहो क्या होता है? Hold up. अगर तमाम दिग्गज वरिष्ठ नेताओं के होते हुए, जिसमें एक से एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अध्यक्ष राहुल गांधी बन सकते हैं, तो फिर अशोक गहलोत के रहते मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते सचिन पायलट? ये सवाल तो पूछा जा सकता है। क्या उम्र पर इस तरह की टिप्पणी जो की है अशोक गहलोत ने कि अंग्रेजी बोलने वाले तब तो आधे नेता ही कट जाएंगे आपकी पार्टी से। अंग्रेजी से बोलने वाले हैं, बाइट अच्छा देते हैं, हैंडसम है। मुझे लगता है हैंडसम होना इज अ वर्च्यू, वाइस नहीं है। खैर मजाक को छोड़ के सिर्फ ऐसी बात करनी चाहिए अंजना जी कि तस्वीर के एक ही पहलू को नहीं दिखाना चाहिए और बहस उस पर सिर्फ नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इतनी देर तक मैं चुप थी, मैं आशा करती हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का टाइम मिलेगा। अशोक गहलोत जी ने बाकी कुछ भी कहा उसको किसी ने जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो नई पीढ़ी है, आने वाला कल उनका है, हम उनको प्यार करते हैं और उनको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि कन्वीनियंट है उसके बारे में बात ना करना भाजपा का। आपको इसलिए बुलाया है कि आप बात बड़ी बात कहती है ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में। हाँ, ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में जब बात करती है भाजपा, और संबित जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कांग्रेस के युवा नेताओं के लिए उनके मन में इतना दर्द, इतनी हिमायत, इतनी वॉर्म्थ है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर यही थोड़ी सी वॉर्म्थ आप अडवाणी जी के लिए, यशवंत सिन्हा के लिए, अरुण शौरी के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए रख लेते तो वो बेचारे ब्रेन डेड होकर एक मार्गदर्शक मंडल में ना डाल दिए जाते। अगर यही थोड़ी सी वॉर्म आपने जयंत सिन्हा के लिए रख ली होती तो बाप बेटे को लड़ाकर उनको कैबिनेट से नहीं ड्रॉप करते। थोड़ी सी वॉर्म्थ अरे राजीव प्रताप रूडी जी के लिए रख लीजिए, बिहार के हैं, अटल जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, ऐसी क्या अनबन हो गई कि उनको ऐसा ड्रॉप किया कैबिनेट से कि उनका नंबर ही नहीं आया। अरे शाहनवाज भाई इतनी पैरवी आप करते हैं, दे देते उनको राज्यसभा, हार गए मोदी लहर में। तो दूसरों को आईना मत दिखाइए, पहले आईना खुद देखिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरह से हिमायत भाजपा कर रही है, पहले तो कहते हैं हमें आपके घर से कोई लेना देना नहीं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और उसके बाद हमारी हर चीज पर पैठ है। कटारिया जी ने कल कहा मीटिंग होगी। अब संबित जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच में क्या चल रहा है, क्यों नहीं वसुंधरा राजे जी आज मीटिंग में आई? इसका ऐलान तो जिस शो पर मैं थी वहां पर कल कटारिया जी ने किया था कि मीटिंग होगी, वसुंधरा जी आएंगी। ये कोई अनसुनी बात तो है नहीं, वसुंधरा जी आई नहीं तो हो क्या रहा है? और जहां तक खरीद फरोख्त की बात है, सिर्फ छोटा सा सवाल पूछूंगी। आज तो डिबेट होना चाहिए था संबित जी के डिमोनेटाइजेशन काम पर, लेकिन चलिए उसकी किसी और दिन बात कर लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान आजकल कहां बिजी है और कौन से ऑपरेशन चरण सिंह पर काम कर रहे हैं, इसकी बात हो जाए संबित जी आज। रुक तेरे को बता देती तेरे रुका कि आडवाणी जी जैसे और मुरली मनोहर जी जैसे बहुत बड़े लोगों को, वरिष्ठ लोगों को ब्रेन डेड कहना, मैं मानता हूं ये शब्दों का न केवल अनुचित, इनह्यूमन उपयोग है, इस पे माफी मांगनी चाहिए। वो ब्रेन डेड नहीं है और हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि वो आज भी सशरीर खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं। तीसरी बात, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए आपने कहा कि हमारे पार्टी में इसको मंत्री नहीं बनाया, इसको राज्यसभा नहीं दिया, इसलिए आप लोग भी ये सब करने के लिए एंटाइटल्ड है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मुबारक हो, आपकी पूरी पार्टी सड़क पे आकर लड़े, हमें उससे क्या है? ये जो पूरा का पूरा लड़ाई चल रहा है आज, 2020 मैच आप ही लोगों के बीच में चल रहा है, हम तो बैठ के दर्शक दीघा पवेलियन में बैठ के ये 2020 मैच देख रहे हैं। और हाँ, हम ताली भी बजाएंगे, मुस्कुराएंगे भी और समय आने पर हंसेंगे भी। क्यों नहीं हंसे? आपके घर में बर्तन बजे और हम केवल देखते रहें, हमको जहां लगेगा हम वहां ताली बजाएंगे, हम ऑपोजिशन पार्टी पाएंगे कि नहीं? हाँ, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बर्तन नहीं फेंकेंगे या नहीं, उस तरफ काम कहां तक हमें गिराने की क्या? नहीं नहीं सुनिए अंजना जी, अंजना जी हमें गिराने की आवश्यकता है क्या? ये सचिन तो ओहो क्या होता है?
ये ओहो तो सचिन तेंदुलकर, सचिन पायलट, और अच्छा सचिन तेंदुलकर गलती से बोल दिया था कुछ दिन पहले, एक आप ही के चैनल पे कोई सचिन तेंदुलकर बोल रहा था, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तो एक 2020 मैच चल रहा है कि कौन किसकी सरकार गिराएगा, कौन किसकी सरकार। हमें हमारी आवश्यकता भी है क्या? हमारी आवश्यकता है? आप बताइए, जब इनको आपस में लड़ाई हो रही है। और क्या कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, हमारे घर में बर्तन बज रहे हैं। अगर आपको हमारी पार्टी से ही कंपटीशन करना है कि हमने किसको क्या बनाया, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। हर राज्य में सड़क पे उतर के लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर अंजना जी, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर मध्य प्रदेश में आप देखिए, दो परिवार, कमलनाथ जी का परिवार, क्योंकि वहां उनके बेटे भी मध्य प्रदेश में एमपी बने हैं, और दिग्विजय सिंह जी, उनके बेटे भी वहां मंत्री बने हैं। देखिए, दोनों मिलकर जिस प्रकार से एक नेता को बाहर करते हैं, यहां भी उस प्रकार से, उसी प्रकार की राजनीति चल रही है। ये जो आज अशोक गहलोत जी ने कहा है, ये बैटल विद इन बैटल है। एक तो बैटल है गांधी परिवार वर्सेस रेस्ट, और दूसरा बैटल है माँ वर्सेस बेटा वाला टीम। एक टीम ओल्ड गार्ड की है, एक टीम यंग गार्ड की है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। सोचिए, ये तो मीडिया दिखा रही है कि अशोक गहलोत सोनिया वाले ब्रिगेड के हैं, ये तो मीडिया कह रही है कि सचिन पायलट राहुल वाले ब्रिगेड के हैं। उन दोनों के ब्रिगेडों में लड़ाई चल रही है, इसमें भी बीजेपी घुसी हुई है।